हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। मेरा आज का टॉपिक ये है कि क्या डेंटल ट्रीटमेंट महंगा है। बहुत बार जब हम किसी पेशेंट को या किसी बंदे को देखते हैं, उनके दांत ख़राब होते हैं, तो ये सवाल पूछते हैं कि आप डेंटल ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा रहे, दांतों का इलाज करवाए, आपके दांत ख़राब हो रहे हैं। तो उन लोगों का जवाब ये आता है कि क्या ट्रीटमेंट करवाएं, ये तो बहुत महंगा है, दांतों का इलाज बहुत महंगा है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो इसी बारे में है कि क्या रियल में डेंटल ट्रीटमेंट इतना महंगा है कि कोई भी इंसान है वो करवाने से पहले डरता है, झिझकता है। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रह सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दांतों का ट्रीटमेंट महंगा है या नहीं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भाई, दूसरी अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो गई, अलग जो बीमारियाँ होती है, सर दर्द में कोई प्रॉब्लम है, सर में है, पेट में कोई दिक्कत है, या कोई भी अगर आपके अदर डिजीज़ है दांतों के अलावा, तो वो महंगी है या फिर दांतों का ट्रीटमेंट महंगा है। तो आप लोगों को ये बता देती हूँ मैं कि दांतों का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अगर आपके मान लो कि किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, कोई भी किडनी में प्रॉब्लम हो गई है, आप दिखाने गए, आपको नॉर्मल मेडिसिन दे दी, तो ठीक है कि भाई आपके 400-500 रुपए में काम हो गया अगर आपके कोई मेडिसिन। लेकिन अगर आपके किडनी में प्रॉब्लम हो गई, ख़राब है आपकी किडनी, तो उसका ट्रीटमेंट होएगा, उसमें उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, उसकी डायलिसिस होती है, उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, वो आपको कराने पड़ेंगे। तो वो आपका महंगा होता है, नहीं कि दांतों का, दांत की सर्जरी या दांत का ट्रीटमेंट महंगा होता है। अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट का ट्रीटमेंट अगर आप कराओगे तो वो महंगा होएगा। सर में प्रॉब्लम है तो कोई ट्रीटमेंट कराओगे तो वो ज़्यादा महंगा होता है, नहीं कि दांतों के ट्रीटमेंट से। अब आप लोगों को ये क्यों लगता है कि दांतों का ट्रीटमेंट है वो महंगा है? आप किसी भी नॉर्मल फिजिशियन के पास जाते हो, आप ही मतलब अगर आपको दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या फिर बुखार हो गया है, या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हो। और फिजिशियन के पास जैसे आप दिखाने जाओगे तो पहला जो प्रिस्क्रिप्शन में पहले जो चीज़ होती है वो क्या करते हैं, आपको जांचें लिख के देते हैं कि ये जांचें आप करवा के लेके आओ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो जब आप जांचें करवाने जाते हो तो वो जांचों की भी कॉस्टिंग होती है, उनके भी पैसे। अगर आपके कोई भी सर्जरी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, आपके कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपके कोई किडनी में कोई ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है, कोई बड़ा ट्रीटमेंट हो गया, ड्रिप चढ़ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी अगर आप जाओगे तो आपको जांचें तो करवानी ही पड़ेगी। उसके बाद ही डॉक्टर है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है वो उसी में पता चलता है। लेकिन अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है, मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है, और अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आपको जांचें करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक एक्सरे होता है, वो डेंटिस्ट हैंड टू हैंड वहीं कर देता है, और वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता जितना कि अदर आपके बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जो जांचें महंगी होती है वो। अब आप जनरली मान लो कि आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हो, अगर आपके माउथ में कोई भी प्रॉब्लम है, दांत में या मसूड़ों में या किसी भी जगह आपकी कोई प्रॉब्लम है माउथ से रिलेटेड, तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, वहाँ आपका डेंटिस्ट आपको कोई जांचें नहीं लिखेगा, वो ये चेक करेगा कि आपके दांत में क्या प्रॉब्लम है खुद से ही, और अगर आपके दांत मिसिंग है, कोई वहाँ पे दांत लगवाने हैं, डेंचर लगवाना है, आरपीडी लगवानी है, या कोई फिक्स दांत लगवाने हैं, कोई ब्रिज लगवाना है, ये सब आपको एक नॉर्मल जो प्रिस्क्रिप्शन जो पेड बनाते हैं, जो उनकी जो फीस होती है, उसी में सब कुछ बता देते हैं, आपको पूरा एडवाइज़ कर देते हैं कि आपको ये करवाना है, आपके मुँह में ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप कहीं और जाते हो फिजिशियन के पास, या कोई अपने बॉडी में अदर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके आपको जांचें भी करवानी पड़ती है प्रिस्क्रिप्शन के अलावा। तो यहीं से ये साबित हो जाता है कि डेंटल ट्रीटमेंट है वो अदर ट्रीटमेंट से महंगा नहीं है। दूसरा, अब आप दांतों में, आप सोचोगे कि दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको अगर निकला हुआ है तो वहाँ पे दांत लगवाएंगे तो उसके पैसे लगेंगे, या फिर तो मेन चीज़ क्या होती है, आप खाना किससे खाते हो, दांतों से खाते हो। आप दांतों से अगर चबा के अच्छा से खाने नहीं खा पाओगे तो आपकी बॉडी में अदर प्रॉब्लम होएगी। अगर आप दांत आपका मिसिंग है, मान लो आपके दांत नहीं, ठीक है, मान लो आपके दांत नहीं है और आप कुछ भी खाते हो तो उसको अच्छे से चबा के नहीं खा पाओगे, डायरेक्ट उसको निगलोगे तो आपकी जो बॉडी में अब जो पचने की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाएगी,
और उसकी वजह से आपके कॉन्स्टिपेशन या अदर प्रॉब्लम जो लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, अच्छे से पचेगा नहीं खाना, तो आपके माइंड में भी टेंशन रहेगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लमें अदर प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो सबसे पहले अपना माउथ ही है, आपके दांत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद दूसरी चीज़ आती है। अगर आपके दांत सही रहेंगे तो आपको दूसरी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, और अगर दांत आपके नहीं है, दांत में प्रॉब्लम है, तो आपको ऑटोमेटिक ही दूसरी प्रॉब्लम में शुरू हो जाएगी। आपके पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके दांत सही है तो आप उन दांतों से अच्छे से चबा के खाना खा सकते हो, जिससे आगे जाके जो प्रॉब्लम होने वाली है वो नहीं होगी। सबसे पहला प्लस पॉइंट तो यही है। दूसरा, अगर आपके दांत अगर मिसिंग है तो वहाँ पे हम आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं, तो आर्टिफिशियल दांत का जो खर्चा है वो थोड़ा सा कॉस्टली है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ये तो बहुत महंगा है, तो बहुत महंगा नहीं है। मान लो आपके शरीर में कोई और प्रॉब्लम हो गई, आँख में कोई प्रॉब्लम है या अंदर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई पोर्शन मिसिंग है और वहाँ पर आपको अलग दूसरी चीज़ लगवानी है, तो वो दांत से ज़्यादा महंगी होगी या फिर दांत से सस्ती, ये आप खुद ही डिसाइड करो। मान लो आपके आपको आर्टिफिशियल फिंगर लगानी है, आपके फिंगर किसी रीजन की वजह से कट गई है और वहाँ पे आपको आर्टिफिशियल फिंगर लगानी है, तो आप खुद ही सोचो कि क्या आर्टिफिशियल फिंगर दांत जितने इजीली सस्ते से लग जाता है, उतने सस्ते से आर्टिफिशियल फिंगर लग सकती है? नहीं। अगर आपके आँख में कोई प्रॉब्लम हो गई और आँख का ऑपरेशन करना है, तो क्या दांत जितनी इजीली हम फिक्स दांत है वो लगा देते हैं, उतनी फिक्सली या इजीली आपका आई की जो ऑपरेशन है वो हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आपका जो दांतों का जो ट्रीटमेंट है वो आपके दिमाग में ये है कि वो महंगा है, बट वो महंगा नहीं है। जितनी कॉस्टिंग डेंटिस्ट्री की आती है, जैसे खर्चा पड़ता है, डेंटल चेयर होती है, डेंटल मटेरियल्स होते हैं, एक्सरे मशीनें होती है, डेंटल के अलग अलग मशीनें आती है, अलग अलग मटेरियल होते हैं जो हम माउथ में यूज़ करते हैं। माउथ में इस तरह के, जैसे अगर कोई फिलिंग भी करवा रहे हैं तो फिलिंग मटेरियल ऐसे होने चाहिए जो कंपेटिबल हो आपके माउथ के, आपको आगे जाके आपके मसूड़ों में उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर बाय चांस वो निगल जाए तो आपके बॉडी में उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमें ऐसे ऐसे मटेरियल कलेक्ट करने पड़ते हैं जो कंपेटिबल हो आपके माउथ के, आपकी बॉडी के, तो इसलिए वो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं। लेकिन अगर माउथ में कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो वो थोड़े उसके वो थोड़ा बहुत चार्ज तो उसका लगेगा ही, लेकिन इतना नहीं कि बहुत, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं बहुत महंगा है डेंटल ट्रीटमेंट। तो अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि क्या डेंटल ट्रीटमेंट महंगा है, खुद ही सोचिए, समझिए और कंपेयर कीजिए। अगर आप लोगों को डेंटल रिलेटेड कोई भी क्योरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्योरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन का प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।